मुरैना में सवारों से भरी मिनी लॉटरी को यातायात पुलिस के आरक्षक ने रोका तो ड्राइवर गाड़ी को भगा कर ले गया। ऐसे में प्रधान आरक्षक गेट पर लटक गए तो मिनी लॉटरी का ड्राइवर बैरियर चौराहा से लेकर जोरा रोड पर सोलन के पेट्रोल पंप तक प्रधान आरक्षक को लेकर चला गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधान आरक्षक ने गाड़ी को रोकने के लिए ड्राइवर के सिर में सरिया मार दिया, जिससे ड्राइवर घायल हो गया। यह देख मिनी लोडिंग में सवार यात्री और वहां मौजूद युवकों ने यातायात पुलिस के प्रधान आरक्षक राकेश कुमार के साथ पहले छीना चपटी की, फिर मारपीट शुरू कर दी। प्रधान आरक्षक की सूचना पर यातायात प्रभारी अखिल नागर टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। प्रधान आरक्षक को पीटते हुए लोगों की भीड़ का वीडियो किसी युवक ने मोबाइल से बना लिया। मौके पर बागचीनी थाना क्षेत्र के गुर्रा गांव के दो युवक कदीर खान व फैजान खान को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसे लाइन थाने को सौंपा गया है। आरोपितों पर FIR की जा रही है। वीडियो में प्रधान आरक्षक के साथ मारने वाले लोगों की पहचान व धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। मारपीट से घायल हुए प्रधान आरक्षक का कहना है कि सवारों से भरी मिनी लोडिंग को रोकने के लिए वह ड्राइवर साइड की खिड़की पर लटक गया, तो ड्राइवर ने गाड़ी को रोकने के बजाय उसे 1 किलोमीटर तक लटका कर ले गया। रास्ते में एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, इसके लिए पेट्रोल पंप के पास मौजूद लोगों ने गाड़ी को रुकवाया। वहाँ से आ रहे थे, वहाँ उसने सरकार के लिए सवारी थी, उन्होंने रोका तो हमने आने जाने की गाड़ी रोकी। उन्होंने आने के मार्केट के लिए मारो थी, उसके लिए सारे बना रहे थे, बस ने मार दिया। अच्छा, हम थोड़े से झगड़ा हुआ था, वो हमारे पीछे लगा था, तो हमने इसलिए भी नहीं आने जाने, हम रोक नहीं आने जाने का रोक के। उन्होंने हमने ये भाई साहब बात को सुना, मैं बात कर रहे करता हूँ, तो वो क्या बोलने से जुड़ गए थे, मार भी मुझे मार भी क्या बाद में बोली तो मार बाद में की होगी, जो इन लोगों ने लड़कों ने किया था उसमें सरिया दिया। देखिए, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश हैं कि लोडिंग गाड़ी पर कोई सवारी बैठ के नहीं जाएगी, तो इसी क्रम में एक लोडिंग गाड़ी थी जिस पर सवारी ऊपर तक बैठी हुई थी, तो ट्रैफिक प्रभारी सूबेदार श्री अखिल नागर ने उसको देख लिया और उसने प्रधान आरक्षक जिसकी ड्यूटी उधर माँ बेटी चौराहे पर थी, उनको वायरलेस सेट से बताया कि ये गाड़ी आ रही है लोडिंग, इस पर सवारी बैठी, इसको रोकिए, मैं आ रहा हूँ। उसने उस गाड़ी को रुकवाया हेड साहब ने, और पीछे से मतलब इनको ये रिक्शा विक्शा बीच में आ गए, तो थोड़ा सा इनको एक दो मिनट का गैप हो गया पहुंचने में सूबेदार साहब को। तब तक उन्होंने गाड़ी उसको रुकवा करके, उसमें 10-12 लोग सवार थे, तो उन्होंने उस हेड साहब के साथ मतलब थोड़ी मारपीट पर आमादा हुई है, तो मारपीट पर आमादा होने से पहले उसने जो है सेट से बताया कि मुझे लोगों ने आसपास घेर लिया है। तो ये चीज़ मैंने भी सुनी, तो मैं भी तत्काल, मैं ऑफिस से अपने ऑफिस की पहुंच रहा था, तत्काल मैं सीधे मैं भी पहुंच गया, सूबेदार अखिल नागर भी पहुंच गए और भी स्टाफ पहुंच गया, तो वो कुल मिलाकर के उन लोगों को पकड़ लिया, और पकड़ करके हम अपनी गाड़ी में बिठा करके उन मुजरिमों को यहाँ थाने ले आए। वो क्या है, हेड साहब हमारा जो है उसको पकड़ने के लिए गाड़ी पर टंग गया पीछे, तो गाड़ी काफ़ी दूर मतलब आगे तक चली गई, इसके बाद में उसने गाड़ी रोक दी, पब्लिक वाले लोगों ने देखा और उसने देखा गाड़ी रोक दी, तब तक हम लोग पहुंच गए, फिर गाड़ी रोक करके उसकी खिलाफ पकड़ लाया, थाने में कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है, अभी इसकी कार्रवाई चल रही है, विस्तृत रिपोर्ट आपको पृथक से दी जाएगी।